आपके पास एक ऐसा बैंक है जहां से आपको रेगुलर बहुत कम समय में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे और वो ब्रेक इवन पर आएगा और उसके बाद प्रॉफिट जनरेशन पर चला जाएगा समझ तो लीजिए आपका बिजनेस स्केल के लिए बिल्कुल रेडी है हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी मैं सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर हूं मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का हमारी कंपनी स्टील की एक्सपोर्ट करती है। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शोरूम और डीलरशिप शोरूम है अब बात करती हैं कि अगर किसी भी बिजनेस को स्केलअप करना हो तो स्केलअप करने का सही तरीका क्या है या हमें यह कैसे पता लगे कि हम हमारा बिजनेस इस लेवल पर तैयार हो चुका है कि हम आसानी से उसको स्केल अप कर सकते हैं ध्यान रखिए किसी भी बिजनेस को अगर स्केल अप करना हो तो ये सात चीजें आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट जरूर होनी चाहिए या अगर आपके बिजनेस में सातों बातें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं तो समझ लीजिए बिजनेस स्केल अप करने के लिए तैयार है योर बिजनेस इज रेडी टू स्केल विद दिस सेवन साइन अगर ये सात साइन है तो स्केल अप करने के लिए तैयार है अब ये स्केल अप करने के लिए पहला साइन क्या है अगर आपके बिजनेस में नेटवर्क ऑफ लॉयल कस्टमर्स है तो समझ लीजिए आपके पास एक ऐसा बैंक है जहां से आपको रेगुलर बिजनेस आने वाला है अब ये लॉयल कस्टमर कैसे बनते हैं इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर दिए हुए हैं आप उन वीडियोस को जरूर देखें और लॉयल कस्टमर का मतलब ये है कि वो कस्टमर या तो आपकी कंपनी और आपके ब्रांड से रेगुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रहा है या वो आपको रेगुलर रेफरेंसेज दे रहा है या वो व्यक्ति ऐसा लॉयल पर्सन है जो हमेशा आपके बिजनेस के बारे में पॉजिटिव सोचता है और लोगों से पॉजिटिव बात करता है दूसरा कंसिस्टेंटली जनरेटिंग अ इनकम देखिए कोई भी बिजनेस केवल तभी स्केल अप किया जा सकता है जब वो इनकम जनरेट कर रहा हो अगर आपका बिजनेस रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर रहा और बार बार आपके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लीजिए भी बिजनेस स्केल अप करने के लिए तैयार नहीं है और अगर आपका बिजनेस रेगुलर सही तरीके से इनकम जनरेट कर रहा है तो वो आसानी से स्केल अप करने के लिए बिल्कुल रेडी बिजनेस माना जाता है दूसरी बात योर टीम मेंबर कैन वर्क विदाउट योर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस अभी एक बहुत बड़ी समस्या है स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर जो होता है ना उसकी टीम जो होती है टोटल वो अपने ओनर पर डिपेंडेड होती है इसका मतलब अगर ओनर पर डिपेंडेड है तो हर एक ऑपरेशन में ओनर को या बिजनेस के डायरेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अगर आपकी टीम ऐसी डेवलप हो चुकी है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं आपकी टीम आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना आपके बिजनेस को ठीक तरीके से रन करती है मतलब आप बिजनेस में हो या ना हो, होने या ना होने से आपके रूटीन बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिस समय पर ऐसी टीम डेवलप हो जाए तो समझ लीजिए आपका बिजनेस अप करने के लिए तैयार है यू आर नॉट लॉन्गर इन्वॉल्व इन डे डे टू डे एक्टिविटीज अभी क्या है बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या होता है अपने बिजनेस में इन्वॉल्व तो हैं लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं जैसे किसका बिल आना है किसका बिल जाना है किसका मेटल आना है किसका मेटल डिस्पैच होना है किस क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है किसको कोटेशन भेजनी है किसको डिलीवरी करनी है ये सारी प्रॉब्लम जो डे टू डे एक्टिविटी होती है फिर जी की रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स को चेक करना है और सेल्स टैक्स को चेक करना है मतलब अपने के पूरे के पूरे बिज़नेस में डे टू डे एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो अभी आपका बिजनेस स्केलअप के लिए तैयार नहीं है और अगर आपका बिज़नेस डे टू डे एक्टिविटी में आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना चल रहा है तो समझ लीजिए आपका से स्केल होने के लिए तैयार है एंड द नेक्स्ट यू क्रिएटेड अ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस आपने एक ऐसा बिजनेस सिस्टम डेवलप कर लिया है जहां आपके बिना आपके बिजनेस का पूरा का पूरा ऑपरेशनल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है मतलब जहां पर आपके होने या ना होने का कोई प्रभाव तो है ही नहीं साथ ही साथ आपके यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति रिप्लेस होने के बाद भी ठीक तरीके से वैसे काम कर पाता है जैसा एक पास्ट परफॉर्मर काम वहाँ पर कर रहा था मतलब आपका बिजनेस सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है एक पूरा सिस्टम प्रोसेस बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपका काम चलता है अगर ये सिंबल आपके बिजनेस में है ये साइन आपके बिजनेस में है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस आसानी से स्केल हो सकता है और अगर नहीं है तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट और वर्क विद योर कंपनी लोग आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं बहुत सारे लोग आपको बिजनेस में ऑफर देते हैं कि भाई बिजनेस में अगर कैपिटल की जरूरत हो हमसे ले लो या आप चाहते हैं और पार्टनर ऐड करने तो हम तैयार हैं या चाहते हैं आप अप आपकी कंपनी की इक्विटी लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए वो समय आ गया है जब लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं एज ए डायरेक्टर एज ए ओनर एज ए इन्वेस्टर एज अ फंड uh, प्रोवाइडर वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस स्केल अप के लिए बिल्कुल रेडी है कमिटेड टू डिलीवर बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट आपका बिजनेस इस तरह का तैयार हो चुका है कि यदि आपके साथ कोई यूनिट खोलता है या आपके साथ पार्टनरशिप करता है या आपके साथ एक और यूनिट में इन्वॉल्व होता है तो वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट आप आसानी से ला सकते हैं मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बहुत कम समय में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे और वो ब्रेक इवन पर आएगा और उसके बाद प्रॉफिट जनरेशन पर चला जाएगा तो आपका बिजनेस रेडी है उसके बाद आर आपके बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उतना इन्वेस्टमेंट बहुत कम समय में अगर रिकवर हो जाता है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस बेस्ट आर का बिजनेस है जर्नली एक साल से लेकर तीन साल का अगर आर होता है तो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं गुड प्रॉफिट मार्जिन अगर आपके बिजनेस में एक प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और लोग उस प्रॉफिट मार्जिन से आपके बिजनेस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो समझ लीजिए ये वो साइन है जिससे ये पता लगता है कि आपका बिजनेस आसानी से स्केल हो सकता है अगर ये सारी की सारी बातें आपके बिजनेस के अंदर है मतलब ये सेवन सिंबल आपके बिजनेस को दर्शाते हैं कि आपके बिजनेस में सारे गुण हैं तो आपका बिजनेस रेडी टू स्केल है अब जरूरत है आपको एक राइट कोचिंग की कंसल्टिंग की या मेंटोरशिप की फ्रेंड्स ध्यान रखिए किसी भी बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको जरूरत होती है सही गाइडेंस की सही मेंटोरशिप की सही कंसल्टिंग की लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज के समय में एक सही कंसल्टेंट सही मार्गदर्शक सही मेंटोर हम कैसे ढूंढें इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है उस वीडियो को आप जरूर देखें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा और यहाँ पर स्क्रीन पर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अगर आप बिजनेस को स्केलअप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप सही गाइडेंस के अंतर्गत अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाए कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत